रुक गया था। पर्वतों की ठंडी हवाएं सांसों में वेलकम टू अवर चैनल। प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं रेडी हो रखी हूँ और हम जा रहे हैं फ्लावर शो। यहाँ पे ना कैंट के अंदर फ्लावर शो लगता है, एक मेला टाइप लगता है, लेकिन वहाँ फूल ही फूल होते हैं। और पहले तो वहाँ सिर्फ फौजी लोग ही अलाउड होते थे, लेकिन अभी सभी रहते हैं, बस आइडेंटिटी प्रूफ मांगते हैं उनसे। और 2 दिन का लगता है ये मेला वैसे, लेकिन इस बार बोल रहे हैं कि 3 दिन का लग रहा है। और इसमें प्राइज वाइज भी कुछ रहता है, पता नहीं क्या। और हर साल हम नेगी जी के साथ जाते हैं, और इस बार भी हम नेगी जी के साथ ही जाते कल, क्योंकि कल संडे है। तो फ्राइडे से ही मेला लग गया, फ्राइडे और सैटरडे और संडे तक फूल पूरे मुरझा जाएंगे। तो बच्चों को होता है ना, बच्चों के लिए, तो मैंने कहा इसी को घुमा के आती हूँ। तो इधर से सभी दीदी लोग जा रहे थे, तो मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही है, तो मैंने कहा चलो मैं भी चलती हूँ। तो रेसी को लेके तो हम जा रहे हैं, और अगर वहाँ वीडियो बनाई या फोटो खींचे तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। आप लोग बने रहे ब्लॉग में और देखते रहें, और देख के बताना कि आपको कैसा लगा, ठीक है? तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। देवों की भूमि ऐसी जिसमें अनुभव स्वर्ग के जैसा, जो भी आए छोड़ न पाए, इस मिट्टी में प्यार ऐसा। बारिशों की गीली बूंदें मन को भिगोती जाए, हाय रे, मन को भिगोती जाए। चोटियों की गोद में कल कल बहती हुई धाराएं, हाय रे, बहती हुई धाराएं। झर झर झरने गीत सुनाए, उत्तराखंड की बात बताए, ओ परदेसी लौट के आना, मुल्क ये मेरा तुझको बुलाए। झूला देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, वो बड़ा वाला, लेकिन डर बहुत लगती है। ऋषि, आपको बैठना है उसमें? अरे रुक गया तो Thank you.
खोल दूं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना ये दीदी ना वीडियो बना रही थी, ये वीडियो बनाने वाले आजकल हर जगह रहते हैं ना, तो इन्होंने बनाई तो बोल रहे थे कि हमको भी बना लो, लेकिन मुझे शर्म आ रही थी, इतने सब लोग देख रहे थे चारों तरफ से, मैंने कहा मैं नहीं बना रही। फिर जो दूसरी दीदी थी उन्होंने बोला मैं भी नहीं बना रही। तो फ्रेंड्स देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल है ना, बहुत ही सुंदर सजाया रहता है। और क्या बोलते हैं ना, हम जबकि दूसरे दिन गए थे थोड़ा सा कुछ चीज़ें मुरझा गई थी, और डेकोरेशन बहुत ही अच्छा कर रखा था। ये सारा डेकोरेशन ना फौजियों ने किया होता है, क्योंकि अंदर ही होता है वहाँ। और क्या बोलते हैं, वेजिटेबल भी रहते हैं, जैसे बड़ी बड़ी मूली कद्दू इस टाइप के शोपीस के लिए रखे रहते हैं उन्होंने, और वहाँ पे सब लोग उनको पकड़ के फ़ोटो खिंचाते रहते हैं। लेकिन इस बार हम नेगी जी के साथ नहीं जा रखे थे ना, तो मेरा ज़्यादा मन भी नहीं लगा और ज़्यादा हम घूमे भी नहीं, बस थोड़ा बहुत ही घूमे। और इसी बड़ी चरखी में बैठने को बोला था, उसमें भी नहीं बिठाया मैंने, बस ट्रेन में बैठे थे हम दोनों ही, बैठे थे मैं और रेसी, बाकी वो दीदी लोग नहीं बैठे तो मैं भी नहीं बैठी फिर। और ये देखिए सेल्फ़ी खिंचाने के लिए सेल्फ़ी पॉइंट बहुत सारे बना रखे थे, बहुत अच्छे अच्छे, तो बस। और नेगी जी नहीं थे ना, तो मेरे को थोड़ा सा मन नहीं लग रहा था, बट ठीक है, कभी कभी अकेले भी चले जाना चाहिए। सामने ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो मैं चली गई थी। और हम ये तीनों ही गए थे, ये दीदी जो बैठे हैं और एक जो खड़ी हैं, मैं और मेरा बेटा, और बाकी और भी बहुत सारे गए थे, सब लोग मिल गए थे वहाँ अड़ोस पड़ोसी, क्योंकि पास में ही है, वॉकिंग डिस्टेंस में है, लेकिन हम रिक्शे में गए थे। और देखिए बहुत सुंदर सुंदर है, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं आपको पूरा नहीं दिखा पाई, लेकिन जितना भी दिखा पाई आप लोग कॉमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो हर साल मार्च में लगता है 2-3 दिन का ये मेला, मतलब फ्लावर शो बोलते हैं इसको, तो हम हर साल ही जाते हैं, चाहे हम एक दिन जाए, बहुत से लोग तो तीनों दिन ही जाते हैं, तो हम अक्सर संडे को नेगी जी की छुट्टी रहती है तो तभी जा पाते हैं। इस बार मैं बिना नेगी जी के गई तो अच्छा नहीं लगा, बट ठीक था। और आप लोग बताइएगा आपको कैसा लगा। सुपर फास्ट ट्रेन में बैठी वो बैठी पीछे। फ्रेंड्स इस वाली ट्रेन में ना हम भी बैठ रखे, सुपर ड्रैगन ट्रेन में हम भी बैठ रखे, मैं और रेसी। वो दीदी लोगों ने मना किया इसलिए मैं और रेसी बैठे थे, मैंने कहा बच्चे को कहीं तो घुमा दूँ। बड़ी चरखी में पता नहीं क्यों मुझे डर लगता है, एक बार बैठी थी नेगी जी के साथ, बहुत हालत ख़राब हो गई थी, तब से मैं बैठी नहीं हूँ। और इसका ना, इस ट्रेन का एक जन का 100 रुपीज़ था, तो मैंने रेसी का और अपना 200 रुपये दिए थे, और कितने
छः चक्कर का था शायद, 6 चक्कर घुमाने का 100 रुपये, बहुत ज़्यादा महंगा रहता है यहाँ, बहुत ज़्यादा। और खाने पीने का स्टॉल भी लगे रहते हैं, और वैसे भी लगे रहते हैं सामान के, जो कि मैं आपको दिखा नहीं पाई। और यहाँ पे ऊँट की सवारी करना चाहे जो, तो वो भी कर सकता था, लेकिन हम लोगों ने नहीं की। फिर उसके बाद हम चले गए आइसक्रीम खाने के लिए, डोसा वगैरह खाया फिर हमने, और फिर थोड़ा बहुत ऐसे ही घूमे और आ गए थे घर। तो फ्रेंड्स, आगे और लोग भी मिलेंगे हमें, और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोग इन्जॉय करिए ब्लॉग को, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी। आप आगे देखते रहिएगा।